हाथरस में हुए गैंगरेप कांड के बाद देश में उबाल देखने को मिल रहा है। हाथरस कांड के बाद पीड़िता के परिवार ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकारी मशीनरी के कामकाज पर सवाल उठाया है। आज हम बात करेंगे यूपी में बढ़ रहे अपराध और पुलिस की कार्रवाई पर उठते सवालों के बारे में। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक योजना शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पर कितना अमल हो रहा है, ये इन घटनाओं से सामने आ ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन के दौरान रेप के मामलों पर विपक्ष पर इल्जाम लगाते दिखाई दिए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार को डांटना पड़ा, FIR लिखो। इस देश में एक थाने में FIR लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। जिस देश राज्य में आपके MLA के नाम आ रहे हैं, बलात्कार उसके बाद हत्या, ये काम कौन से काम है जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। ये माँ बेटों की बेटियों की इज्जत लूटने के लिए सपा सरकार बनाई थी, माँ बेटियों की हत्या करने के लिए सपा सरकार बनाई थी, क्या यही काम किया आपने? ये काम है कि कारनामा। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर सक्रिय बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी 2014 से पहले महिलाओं के विषय में काफी सक्रिय थी और लगातार आवाज उठाकर सरकार पर निशाना साध रही थी। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार मारा वाला अत्याचार करा। ना सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री और इनके मंत्री के कोई भी बयान सुनने को नहीं मिलते। अब ये क्यों नहीं बोलते, ये तो इन्हें ही पता होगा। हाथरस के लड़की के साथ जो हुआ वह गलत था। 19 साल की दलित लड़की के साथ कुछ दिनों पहले गैंग रेप की घटना हुई थी। उसकी जीभ भी काट दी गई थी और उसकी रीढ़ की हड्डियों तोड़ दी गई थी, जिसके बाद वह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। करीब 15 दिनों के बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पीड़िता की जीभ नहीं काटी गई थी, गला दबाने से जीभ दांतों में आ गई और उसकी वजह से जख्म हो गया। ये जो भी घटना है उस लड़की के साथ हुई वो काफी दुखदायी है। इसके बाद जो यूपी पुलिस ने एक्शन लिया उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हाथरस गैंगरेप की पीड़िता की मौत के बाद 29 सितंबर देर रात पुलिस युविता का शव लेकर हाथरस जनपद के बुलगाणी गांव पहुंची। पीड़िता का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने भारी विरोध के बावजूद परिजनों की गैर मौजूदगी में गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि गैंगरेप पीड़िता का शव रात करीब 12:45 पर हाथरस पहुंचा। एम्बुलेंस को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उसे रोक दिया और एम्बुलेंस के आगे लेटकर आक्रोश जताया। दरअसल परिजन रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, जबकि पुलिस तुरंत अंतिम संस्कार करना चाहती थी। रात के करीब 2:40 पर बिना किसी रीति रिवाज के और परिजनों की गैर मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप पुलिस का भी रवैया देखिए जो वहां पे मौजूद थी। नहीं नहीं कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच का हूं, कुछ और चल रहा है मुझे, आई डोंट नो। नहीं नहीं अभी मैं बाहर से हूं। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहां पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहां मैं आगे नहीं बढ़ रही हूं, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछ रही हैं? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। ये कहां का इंसाफ हुआ कि परिवार की सहमति के बिना और बिना किसी रीति रिवाज के पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और निष्पक्ष उपचार का अधिकार केवल जीवित व्यक्ति को ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी उपलब्ध है, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के इस बात को भी नहीं माना।
इसके अलावा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक शव को रात को नहीं जलाया जाता। जो पुलिस ने किया वह कितना गलत था ये तो अब आपको पता चल ही चुका है। आखिर पुलिस की क्या मजबूरी थी कि शव बिना रीति रिवाज और बिना परिवार की मर्जी से जला दिया गया। प्रशासन से ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है, आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन की इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है, उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया? इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने SIT जारी की है, ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? इसके अलावा यूपी से ही पिछले कुछ दिनों से रेप के कई और मामले सामने आए हैं। बुलंदशहर में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके ही पड़ोसी ने रेप किया। इस मामले में लड़के के पिता ने बुधवार रात को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि लड़के के पिता ने पड़ोस के रहने वाले रिजवान पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बलरामपुर में दलित युवती के साथ हैवानियत बरती गई। 22 साल की दलित छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद उसकी कमर और दोनों पैर तोड़ दिए गए। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरा इलाका और छावनी में तब्दील हो चुका है। आइए अब कुछ आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में अपराध की एक भयावह तस्वीर चित्रित की गई है। NCRB की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018 में बलात्कार के 4,322 मामले यानी कि प्रतिदिन लगभग 12 मामले हो रहे थे उत्तर प्रदेश में। वहीं राज्य में महिलाओं के खिलाफ 59,445 अपराध दर्ज किए गए हैं, जो 2017 में 56,011 दर्ज किए गए थे। बच्चों के मामले में 2017 में 139 के मामले में 2018 में 144 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। NCRB की ही रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 2,736 मामलों के साथ अपराध के मामलों में लखनऊ 19 शहरों में शीर्ष पर है। इसी तरह राज्य में बच्चों के खिलाफ 19,936 अपराध दर्ज किए गए। इस सब मामले को लेकर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिवार से मिलना चाहते थे तो पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और जाने नहीं दिया। ये देखो मेरे साथ चलो। यूपी पुलिस की तेजी हमने गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में तो देखी ही है। किस तरह गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने पिस्तौल छीनी और पुलिस ने इनकाउंटर किया, ये कैसे सब हुआ इस पर सवाल अभी तक खड़े होते हैं, लेकिन इनके ठीक से जवाब आज तक नहीं मिल पाए। तो बढ़ रहे क्राइम को लेकर तो पुलिस क्या ही जवाब दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.